और नादरा रीजनल हेड ऑफिस में रेस्क्यू 1122 के तावुन से सेफ्टी आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में नादरा स्टाफ को हंगामी सूरतेहाल से निपटने की तरबियत भी दी गई। नादरा जहां आवाम को उनकी दहलीज पर जल्द अज जल्द कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड और दीगर रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात की फरहमी और तजदीद के लिए शब और रोज कोशा है, वहीं अपने मुलाजमीन और स्टाफ की बहबूद और तहफ़ के लिए भी मुख्तलिफ इकदामात करती रहती है। इस सिलसिले में डीजी नादरा पंजाब कर्नल रिटायर्ड सोहेल महमूद की खसूसी हिदायत पर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट नादरा रीजन हेड ऑफिस पंजाब लाहौर रीजन ने डायरेक्टर सिक्योरिटी नादरा पंजाब कैप्टन फारूक आजम खान की जेर निगरानी रेस्क्यू और सेफ्टी आगाही के उनवान से नादरा अफसरान और स्टाफ के लिए रेस्क्यू 1122 के तावुन से नादरा आरएचओ में एक रोजा खसूसी तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया है। आने का एक बड़ा मकसद था खास, हमने इनको तकलीफ दी, वी आर रियली ग्रेटफुल के ये तशरीफ लाए, इतना टाइम दिया एंड वी आर रियली ऑनर्ड सर कि आप तशरीफ लाए हमारे लिए वो रिक्वेस्ट को। वर्कशॉप में सीनियर इंस्ट्रक्टर रेस्क्यू 1122 अंसर अली ने नादरा के स्टाफ और अफसरान को हेड ऑफिस में तरबियत दी है। स्टाफ को बिल्डिंग के अंदर बाहर और इर्द गिर्द किसी किस्म की हंगामी सूरतेहाल से निमटने के लिए इब्तदाई हंगामी हिफाजती इकदामात से आगाह किया गया। ऑडियो और वीडियो आलात की मदद से ट्रेनिंग वर्कशॉप के शुरका को आग बुझाने वाले आलात के इस्तेमाल का अमली मुजाहरा किया गया। आखिर में डीजी नादरा पंजाब ने रेस्क्यू 1122 स्टाफ अफसरान से इजहार तशक्कुर किया और तमाम नादरा स्टाफ और सिक्योरिटी के शोबे पर जोर दिया कि इस किस्म की इंतहाई मुफीद ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का वक्तन फोक्तन इनेकाद किया जाना चाहिए।